खरगोन जिले के बड़वा के समीप ग्राम पंचायत रतनपुर में मुरम का अवैध उत्खनन का कार्य जोरों पर चल रहा था। यहां निजी खेतों और शासकीय बेड़ियों पर अवैध रूप से मुरम खोदी जा रही है। इन गतिविधियों की शिकायत मिलने पर सोमवार देर रात्रि SDM अनुकूल जैन राजस्व अमले के साथ मौके स्थल पर पहुंचे, जहां कार्यवाही करते हुए 2 पोकलेन मशीन जब्त की गई, जिसके बाद मंगलवार सुबह तहसीलदार रंजना पाटीदार, संबंधित पटवारी और जिला माइनिंग अधिकारी सावन सिंह चौहान मौका स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने अवैध खुदाई की नप्ती कर कार्यवाही की। फिलहाल अभी इस मामले में खुदाई अनुसार दंड करने की बात कही जा रही है। वहीं इस कार्यवाही के तहत पोकलेन मशीन मालिकों पर दंड वसूली की कार्यवाही करने की बात माइनिंग अधिकारी चौहान द्वारा भी कही गई। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। अवैध उत्खनन हुआ रतनपुर के समीप, क्या मामला है? इसमें जो अनुविभाग अधिकारी अनुकूल जैन साहब है, इनका मेरे पास साथ में बोला है कि ग्रामीण लोगों ने शिकायत की है, आप यहाँ आ जाइए रतनपुरा के आसपास। तो मैं जब आया तो SDM साहब वगैरह पहले ही से यहीं, तो उन्होंने बताया कि ये जो रतनपुरा की पहाड़ी है, यहाँ पर 2 पोकलेन अभी कर रही है। ग्रामीण लोगों ने भी बताया कि यहाँ पास की निजी भूमि से और शासकीय भूमि से उत्खनन चला, तो रात काफ़ी हो गई थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर जवान पोकलेन को हमारी अभिरक्षा में लेके जवान को छोड़ के चले गए थे। मॉर्निंग में आए हैं हम लोग राजस्व टीम के साथ, और जो अभी उत्खनन दिखा है हमने उसकी नप्ती कर रहे हैं, और तो नप्ती के बाद उसमें कार्रवाई करेंगे। अगर वो इलीगल होगा तो उसमें अपने अनुसार कार्रवाई करेंगे। कितनी बेड़ी खुदाई है अभी जो हमने देखा? अभी दो है, एक जो पीछे से देख रही है और एक छोटी आगे है। क्या नाम है आपका? सावन सिंह चौहान, खनिज अधिकारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।